खबर उन्नाव से, जहां पर आईटीआई में उपकरणों की खरीद में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन्वेंट्री और सामानों की खरीद के लिए 1,75,00,000 का फंड जारी किया गया था। खरीद गए सामानों की गुणवत्ता मानकों के मुताबिक सही नहीं पाई गई है और पूरे मामले की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। बताया जा रहा है कि उपकरणों को मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा रेट पर खरीदा गया। तो घोटाला आया है सामने और घोटाला है उन्नाव में आईटीआई में उपकरणों की खरीद का। जी हां, गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। इन्वेंट्री और सामानों की खरीद के लिए 1,75,00,000 का फंड था, जारी किया गया था। खरीदे गए सामानों की गुणवत्ता मानकों के मुताबिक सही नहीं है। पूरे मामले की जांच के लिए सिटी मजिस्ट्रेट की अगुवाई में एक टीम बनाई गई है। बताया जा रहा है कि उपकरणों को मार्केट वैल्यू से भी ज्यादा रेट पर खरीदा गया।